क्या आपने भेड़ की खाल से ऊन बनते हुए देखा है? कैसे भेड़ के शरीर पर से ऊन को निकालकर उससे कपड़ा बनाया जाता है? आपको बता दें कि ऊन पालतू भेड़ों, बकरी, याक और दूसरे जंतु के बालों से बनाया जाता है। भेड़ों से ऊन काफी ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है और ये भेड़े ठंडी जगहों पर खूब ज्यादा पाली जाती है और इसके बड़े बड़े फार्म होते हैं। और आपको बता दें कि इन बड़े बड़े फार्म में अच्छी वैरायटी की भेड़ों को पालकर उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। और जब ये भेड़ बड़ी हो जाती है और इनके फर काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो इनके फर को बॉडी से अलग किया जाता है। वैसे भेड़ के जो बाल होते हैं उन्हें ही ऊन कहा जाता है और इसमें भेड़ों से बालों को निकालने के लिए एक तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हाथों से चलाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि भेड़ को एक एक करके उनके फर को शरीर से अलग कर लिया जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक बार में हजारों भेड़ों से ऊन को निकाला जाता है और ये काम सैकड़ों की संख्या में वर्कर्स करते हैं। अब देखिए, उनको निकालने के बाद इसे वर्कर्स की मदद से बोरे में भरा जाता है और इस तरह से सारे उनको बोरे में भरकर सील कर दिया जाता है और एक जगह पर स्टोर कर लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भेड़ों के फर निकालने से उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी। तो आपको बता दें कि भेड़ों के फर काफी तेजी से ग्रो करते हैं और इनके बाल हटाने के कुछ महीने बाद ही इनके शरीर पर फिर से बाल आ जाते हैं। वहीं ज्यादा फर की वजह से इनके शरीर का वजन भी बढ़ जाता है जिससे इन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए इनके फर को हटा दिया जाता है और इससे कीमती ऊन भी मिल जाता है। अब इसके बाद बारी आती है इसको फैक्ट्री तक पहुंचाने की। इसके लिए ट्रांसपोर्ट की मदद से इसे बड़े बड़े ट्रकों में लादकर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री में पहुंचकर इनको ट्रकों से वर्कर्स की हेल्प से अनलोड किया जाता है और फिर एक जगह पर स्टोर कर दिया जाता है। अब बारी आती है फैक्ट्री में मशीनों की हेल्प से इनको प्रोसेस करने की। इसके लिए इन भेड़ों के फर को प्रोसेस किया जाएगा जिससे ऊन बनेगा और उससे कपड़े बनाए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले इन बालों यानी कि फर को वर्कर्स की हेल्प से बोरी को खोलकर बाहर निकाला जाता है और फिर उन्हें एक तरह के बड़े से कंटेनर में डाला जाता है जिसमें पानी भरा होता है और फिर इसमें भेड़ों के फर को डालकर अच्छे तरीके से वॉश किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे कंटेनर में ये वॉश होकर कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से कंटेनर से बाहर निकल जाता है और इसकी मदद से आगे भी बढ़ जाता है। अब इसके बाद अब आगे के प्रोसेस में इसकी शॉर्टिंग की जाएगी यानी कि इस ऊन से खराब ऊन को बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए इसे शॉर्टिंग मशीन में डाला जाता है जहां पर मशीन की हेल्प से अच्छे ऊन को अलग कर लिया जाता है, वही खराब ऊन बाहर निकाल लिया जाता है। वैसे ये काम हाथों से भी किया जा सकता है और इस काम को पूरा करने के बाद अब इस ऊन को आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है जहां पर इसे स्मॉल पीसेज में किया जाएगा और इसके लिए इसे एक तरह की मशीन की तरफ कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से बढ़ा दिया जाता है और फिर इस मशीन में इसका प्रोसेस किया जाता है। थ्रेड में कन्वर्ट करने से पहले इसे कलर किया जाएगा क्योंकि आप जो रंग बिरंगे वूलन कपड़े पहनते हैं ना, उन्हें डाई किया जाता है, तभी तो मजा आता है रंग बिरंगे कपड़े पहनकर चमकने में, है ना। इसके लिए इस वूल को बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है। उसके बाद आप इस मशीन का कारनामा देख सकते हैं कि कैसे इसमें लगे हुए टूल्स इस वूल को आसानी से थ्रेड में कन्वर्ट करते जाते हैं और उसे आगे बढ़ाते जाते हैं। आगे बढ़ते हुए यह धागे एक टूल्स की मदद से, जिसे हम स्पिनिंग टूल भी कहते हैं, एक बंडल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इन वूलन धागों को बंडल तैयार होने के बाद इन्हें बोरी में पैक कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें कपड़ा बनाने के लिए फैक्ट्री में दूसरी तरफ भेज दिया जाता है